क्या आपके आधार कार्ड में एड्रेस गलत है और आप बहुत ही परेशान हो चुके हैं? अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो वहां पर बोलता है कि भैया आपका जो है आधार कार्ड में एड्रेस गलत है, या आपका वोटर आईडी या आपके पैन कार्ड में एड्रेस जो है मैचिंग नहीं कर रहा है, आपके आधार कार्ड में एड्रेस गलत है और आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप घर बैठे किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस आप कैसे चेंज कर सकते हैं। स्वागत, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही आप साथ में क्या कीजिए कि इस बेल के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल के बटन प्रेस करने से यह होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो बेल के बटन को प्रेस करते ही आप ऑल कर दीजिए क्योंकि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ आप सबके लिए, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि आपके आधार कार्ड में एड्रेस गलत है तो उसको आप कैसे सुधार कर सकते हैं बिना इधर उधर जाए, बिना आधार सेंटर जाए। अगर आपका घर गांव में है तो आपको पता ही होगा कि आधार सेंटर जो है एक एक महीने तक बंद ही रहता है, और वहां पर जाइएगा अगर तो वहां बोला जाता है कि भैया अभी बंद है, कुछ टाइम के बाद आइए। तो सरकार ने नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिससे आप बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए, आप 85 रुपये में आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे कि किस तरीका से घर बैठे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से 50 रुपये में आप कैसे अपने आधार कार्ड में एड्रेस कैसे सही कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस सही कर लेते हैं तो जो भी एड्रेस आप दीजिएगा उसी एड्रेस पे आपका आधार कार्ड पहुंच जाता है, मतलब आ जाता है। तो आपको कैसे अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना है, सुधार करना है, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके आधार कार्ड में एड्रेस गलत है और आप सुधार करवाना चाहते हैं तो अब आपको आधार सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसा ही तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत ईजी तरीके से आप अपने आधार कार्ड में घर बैठे आप जो है करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जो कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है uidai.gov.in और इंटर कीजिएगा तो आपके सामने में ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ ओके वाले पर आपको क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको लॉगिन वाले पर क्लिक करके सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, ये कैप्चा जो है आपको यहाँ पर डालना है, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपको OTP जाएगा। वो OTP का जो टाइम होता है 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट के अंदर अंदर में आपको यहाँ पे आपको OTP डाल के यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही यहाँ पर देखिए कि आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन जो है ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ से जो है आप बिना आधार सेंटर जाए आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एड्रेस है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, तो और यहाँ पर लैंग्वेज भी आप जो है करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ प्रोसीड टू अपडेट आधार है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आप जो है नेम जो है 2 टाइम, डेट ऑफ बर्थ 1 टाइम, और यहाँ जेंडर आपको 1 टाइम आप यहाँ से जो है चेंजिंग कर सकते हैं, इसका एड्रेस आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं। तो अपने आधार कार्ड में एड्रेस सुधार करने के लिए आपको इस बल पर क्लिक कर देना है, यहाँ प्रोसीड टू अपडेट आधार है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने में ये जो है प्रीव्यू आपको ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पर शो कर देता है इंग्लिश और हिंदी में। अब जो है आप अपने आधार कार्ड में नया एड्रेस बदलने के लिए यहाँ पे आपको जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है कि आपका कौन सा एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके वजह से यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी में ऑटोमेटिकली आपको कन्वर्ट हो जाता है।
इसके बाद यहाँ पे आपको जो है हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर डालना है, यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्टेट रोड लेन डालना है, इसके बाद ये जो है गली सड़क लेन ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। यहाँ पे एरिया लोकेलिटी सेक्टर इंग्लिश में डालिएगा तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। लैंडमार्क मतलब आपके जो घर है उसके अगल बगल में कौन सा हाईलाइट जगह है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। इसके बाद जो भी पिन कोड है आपको पिन कोड यहाँ पे अपना पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। विलेज टाउन सिटी आपको यहाँ पे डालिएगा इंग्लिश में तो यहाँ पे आपको हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद पोस्ट ऑफिस नाम डालना है, डाक बंगला डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर लेना है तो हिंदी में यहाँ पे हो जाएगा। स्टेट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, हिंदी में यहाँ ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। आप जो है मैनुअली अपलोड कर सकते हैं या डीजी लॉकर के थ्रू भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप मैनुअली अपलोड कीजिए, यह अच्छा होता है। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट आपको चूज कर लेना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। आपका जो सही एड्रेस है वो जो सर्टिफिकेट कौन सा है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है जिसमें आपका एड्रेस सही है, जो आप एड्रेस इसमें रखना चाहते हैं, तो वो आपको इसमें ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, इसमें से आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, जो आप यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो आपको यहाँ पे जो है अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड वाले पे क्लिक कीजिएगा और जहाँ भी रख रखे हैं वो आपको यहाँ JPEG PNG और PDF फाइल में जो है आपको अपलोड कर देना है। जैसे इसमें यहाँ सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर ओपन वाले पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए मेरा जो है जो भी मीडिया हूँ यहाँ पर मेरा अपलोड होकर आ चुका है। इसके बाद यहाँ जो है नेक्स्ट वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर व्यू आपको दिखा देगा जो भी आप दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यू एड्रेस जो भी आप दिए हैं यहाँ पर आ चुका है, यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसको एडिट करके हटाए तो यहाँ पर एडिट वाले पर क्लिक करके आप इसको सही भी कर सकते हैं अगर आपको गलत हो गया है तो। इसके बाद यहाँ पर कंसेंट देंगे, इसके बाद नेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि आपको 50 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो है कंसेंट देंगे, यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाकर ओपन कर देगा। यहाँ पे देखिए आपको 50 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पे जो है मैसेज भी आपको आ जाएगा। यहाँ देखिए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट पेटीएम और नेट बैंकिंग। तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग है या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास नेट बैंकिंग है तो मैं नेट बैंकिंग में क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको बैंक चूज करना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा बैंक है। चलिए हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज करते हैं। यहाँ प्रोसीड वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है नेट बैंकिंग पे जाकर ओपन कर देगा। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जो है बहुत ही ईजी तरीका से आप जो है 50 रुपीज का पेमेंट करके आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं और जो भी एड्रेस आप दिए रहिएगा उसी एड्रेस पे आपका जो है आधार कार्ड आ जाएगा। सो आज ये जो है 2021 में न्यू प्रोसेस आया है जिसमें आप बहुत ही ईजी तरीका से घर बैठे बिना आधार सेंटर जाए आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, वो भी 50 रुपीज में। सो गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बिना कहीं भाग दौड़ किए बिना आधार सेंटर जाए आप किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में कैसे आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।